दोस्तों अभी हम जा रहे हैं गुरु शिखर में और ऊपर की तरफ, और यहाँ पर बारिश तेज हो चुकी है। हम राजस्थान के प्यारे प्यारे लोग इस प्यारे से है। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अदर ब्लॉग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आए हुए हैं राजस्थान के सबसे अच्छे हिल स्टेशन आबू रोड के अंदर। अभी बज रहे 11 और हम आए हुए राजदीप होटल के अंदर। यहाँ पे हमने स्टे लिया है। अभी हम यहाँ पर थोड़ा रुकेंगे, रेस्ट करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे माउंट आबू में। जितनी भी घूमने की जगह टूरिस्ट प्लेस, वहाँ पर हम घूमने चलेंगे। दोस्तों फाइनली हम हो चुके हैं रेडी। रूम टूर हम आपको बाद में देंगे। अभी हम जा रहे हैं गुरु शिखर, जो आबू रोड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। और ये हमने गाड़ी बुक करी है, इसका चार्जेस पड़ा है हमें 1500 रुपये। अब हम चलते हैं गुरु शिखर की तरफ। दोस्तों अगर आप माउंट आबू आओगे तो आपको माउंट आबू में स्कूटी या बाइक भी रेंट मिल जाएगी, जहाँ पर स्कूटी का रेंट मात्र 250 रुपये है पर डे के। और यहाँ पर हरियाली इतनी है कि आपको यहाँ पर आने के बाद यहाँ से प्यार हो जाएगा, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों अब यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई है धीरे धीरे। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे बारिश बढ़ती जा रही है, और यहाँ का मौसम और सुहाना होता जा रहा है। अगर आप बाइक या स्कूटी पर आ रहे हो तो अपने साथ रेनकोट या फिर छाता जरूर कैरी करें, नहीं तो आप भी बारिश में भीग सकते हो। पर बारिश का मज़ा लेना चाहते हो तो उसके लिए बढ़िया, अगर फैमिली के साथ आ रहे हो तो आप कार प्रेफर कर सकते हो, बिकॉज उसमें आप थोड़ा सेफ हो रहते हो। दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं अभी गुरु शिखर की मेन चोटी पर, और हमारे साथ है हमारी पूरी फैमिली। ये रानू है, ये मेरी बुआ जी, ये मम्मी और ये डीजे। तो हम जाएंगे और ऊपर, और यहाँ पर ऐसा लगेगा जैसे ना हम बादलों के अंदर आ चुके हैं। पूरा वाइट वाइट आपको दिखेगी, सब बादल ही बादल है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ का जगह। यहाँ से दोस्तों हम जा रहे हैं गुरु शिखर की और जो मेन चोटी है उस पर के अंदर। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं गुरु शिखर की मेन चोटी पर, जहाँ पर गुरु शिखर जी का मंदिर है। यहाँ का जो मौसम है बहुत ही सुहाना हो रखा है, ऐसा लग रहा है जो दिल गाड़ा मगाड़ा हो गया। गुरु शिखर का मंदिर जम्मू कश्मीर से मिल गया यहाँ, और यहाँ के दर्शन करते हैं फिर इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों यहाँ पर इतनी धुंध हो रखी है कि कुछ नहीं दिख रहा, ये बस रानू दिख रही है यहाँ पर, दूर का कुछ भी नहीं दिख रहा, सब फोक के अंदर दम आ गया। ये दिख रही है ना, ये पास में खड़ी ना सिर्फ, बाकी सब दिख ही नहीं रहा फोक में। और अभी हम और ऊपर चलेंगे यहाँ से, वहाँ पर आपको और फोक देखने को मिलेगी। और यहाँ पर मंदिर है, अब यहाँ पर जा रहे दर्शन करने। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं गुरु शिखर में और ऊपर की तरफ, और यहाँ पर बारिश तेज़ हो चुकी है। हम हमारा रेनकोट लाना भूल गए, नहीं तो वो एक्चुअली क्या धीरू के घर पे ही रह गया, धीरू भाई मिस्टर डीजे, उन्हीं का नाम धीरू है। तो हम चलेंगे और ऊपर भीगते हुए मस्त बारिश में गुरु शिखर की चोटी पर। दोस्तों पहले हम आ चुके अभी गुरु शिखर की मेन चोटी पर, जो यहाँ से व्यू है बहुत ही प्यारा लग रहा है। बारिश आ रही है यहाँ पे हल्की हल्की, रेनकोट और छाता पहन के आई है। और वो जवाई तालाब, जवाई लेक, वो सामने वाली तालाब है फिर जवाई लेक। और यहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही है, ये अच्छी बात है कि हमारा अपन वाटर प्रूफ है तो दिक्कत आएगी नहीं। और यहाँ से जो व्यू है ये घंटी है, और सब जगह आपको पूरा वाइट ही वाइट एकदम मस्त मौसम दिखेगा। बहुत ही प्यारा व्यू चल रहा है। हम राजस्थान के प्यारे प्यारे लोग इस प्यारे से, हम प्यारे प्यारे सारे लोग आ गए माउंट आबू। चीज करो मम्मा, ऐसे भी दिखाओ।
दोस्तों ज्यादा रास्ता अब दिखने लगा है और पर ये रोड दिखने लगा है अभी सही भी आ रहा हूं ठीक सही और दिख भी नहीं रहा सही लग रहा और बहुत ही प्यारा मौसम रहा मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप चाहते हो राजस्थान में बहुत अच्छी जगह घूमना तो आप एक बार माउंट आबू जरूर विजिट करें क्योंकि ये बहुत अच्छा पैलेस है और आपको यहाँ पे आने के बाद बहुत सुकून और शांति मिलेगी एनवायरनमेंट से आपको बहुत अगर नेचर लवर है तो आपको जरूर आना चाहिए एक बार माउंट आबू। दोस्तों अब हमने कर लिए है दर्शन और गुरु शिखर बहुत सारी हमने खिंचवा लिए पिक और अब हम चल रहे हैं नीचे की तरफ। दोस्तों अब पूरा मौसम साफ हो गया और बारिश बंद हो चुकी है और अब हम जाएंगे सेल्फी पॉइंट की तरफ। फ्रेंड्स अभी हम आए हुए हैं सेल्फी पॉइंट की तरफ और यहाँ पर आप भीड़ देखो लोगों की सेल्फी लेने के लिए कितनी भीड़ लगी हुई है। इट्स अ शूटिंग पॉइंट नॉट सेल्फी पॉइंट। शूटिंग पॉइंट बात तो है कि शूटिंग करो चाहे सेल्फी लो नहीं सबकी अपनी अपनी चॉइस है। ओके अगर किसी को शूट करना है तो वो यहाँ पर आकर कर सकता है और उसको यहाँ से धक्का दे सकता है वो ऑटोमेटिक शूट हो जाएगा। ऊपर चलते हैं यहाँ से देखो दोस्तों कितना प्यारा व्यू है कहीं कहीं पे बादल है और कहीं कहीं पे धूप आ रही है और ये पूरी जगह बहुत ही आकर्षक है और सामने एक बनी हुई है लेक। ओ पंजाबी वाला चलो पंजाबी। दोस्तों सेल्फी पॉइंट पर आने के बाद हमें एक बहुत ही प्यारी चीज़ देखने को मिली है कि जो अंकल है ना वो इतना अच्छा डांस कर रहे हैं कि उन अंकल ने पूरा माहौल बना दिया था। और मैं अगर अंकल की एज की बात करूँ तो आपको दिख ही रहे कि एज में बहुत ज़्यादा पर इस एज में आने के बाद इतना अच्छा हुनर और इतना अच्छा डांस और इस पल को इंजॉय करना बहुत अच्छी बात होती है। तो अंकल से हमें ज़रूर सीखना चाहिए कि इस एज में आने के बाद भी अंकल इंजॉय कर रहे हैं बिकॉज इंजॉय करने की कोई लिमिट नहीं होती है। दोस्तों अब सेल्फी पॉइंट से सेल्फी लेने के बाद अब हम जा रहे हैं पीसपर की तरफ जो यहाँ से पड़ेगा आगे। अब वहाँ चलते हैं फिर वहाँ के आपको व्यू पॉइंट दिखाते हैं। दोस्तों अभी हम आए हुए ब्रह्मा कुमारी पीस पार्क में। ये माउंट आबू का बहुत अच्छा पार्क है और ये इसका एंट्रेंस है। आप जब ऊपर जाके आओगे मतलब गुरु शिखर की तरफ तो आपको रास्ते में पड़ेगा तो आप यहाँ पर भी विजिट कर सकते हो। अब हम चलते हैं अंदर। दोस्तों ब्रह्म कुमारी के अंदर आपको 12 ज्योतिर्लिंग भी मिलेंगे हालांकि वहां पर फोटो खींचने अलाउ नहीं है तो आप आओ तो वो भी विजिट कर सकते हो। और काफ़ी अच्छा गार्डन है नेचर के साथ बहुत बढ़िया। यहां पर आपको बहुत सारी हरियाली और ग्रीनरी देखने को मिलेगी जो बहुत ही अच्छा है। यहां पर गणेश जी भगवान की मूर्ति है मतलब इस तरीके का पार्क बनाया आप जाके पूरे पार्क को अच्छे से विजिट कर सकते हो। पर एंट्री बना देगी दोस्तों मस्त वाली। जो गार्डन है ना इसमें गुलाब के फूल उग रहे हैं तो गुलाब वाला है। जिसे आगे आओगे तो आपको ओम शांति का बहुत अच्छा बैनर मिलेगा। ये मिट्टी से बनाया गया है सीमेंट से। यहाँ पे लोग पिक्चर क्लिक करवा रहे हैं और पूरे गार्डन में आपको हरियाली देखने को मिलेगी। काफी अच्छा बना रखा है। तो ये ऊपर अरे बस उतरना रहा है यहां पे बट और लंबो का सारा कट जाना बस अब नीचे उतरना रहा है। यहां पर झूले लगे हुए जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और यहां का ब्यूटीफुल पैलेस। दोस्तों पार्क में जाने के बाद हम आए हैं सामने की तरफ पड़ता है श्री चामुंडा रेस्टोरेंट। उसके अंदर हमने दाल दाल करा दोस्तों। फाइनली हमने खा चुके हैं खाना। अब हम जा रहे हैं आबू रोड की तरफ। दाल बाटी चूरमा इतना अच्छा नहीं था पर दाल जो रोटी थी वो मस्त थी। थाली सिस्टम थोड़ा सही नहीं लगा बाकी तो सब बढ़िया था। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारी अचलगढ़। अब हम जाएंगे अचलगढ़ दर्शन करके आएंगे फिर हम चलेंगे आगे की तरफ। ये अचलेश्वर महादेव मंदिर है जहाँ पर बहुत ही अच्छी नक्काशी की गई है और काफ़ी लंबा मंदिर है और काफ़ी अच्छा मंदिर है। हालांकि मंदिर भी अच्छे हैं पर काफ़ी पुरानी चीन मंदिर है। दोस्तों ये बहुत ही पुरानी आर्किटेक्चर है तो आप देखोगे कि इसे गुंबद बना हुआ ना पर बारिश की वजह से ग्रीनरी हो गया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये पूरे मंदिर है और काफ़ी अच्छा और काफ़ी मस्त है। ये भी है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं देलवाड़ा जैन मंदिर जो हमको रास्ते में ही पड़ता है
अगर आप जाओ तो, अगर आप चाहो तो आते वक्त विजिट कर सकते हो, पर जाते वक्त विजिट कर सकते हो जैसे आपको सूटेबल हो। हम तो जाते वक्त कर रहे हैं तो हम उससे भी विजिट करके फिर हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर चलेंगे। और जो मौसम है वो काफ़ी मस्त हो रहा है। ये दिलवाड़ा जी मंदिर का जो मेन जो आप सामने देख रहे हो मंदिर है, और ये जो जितना भी पूरा इसका मार्केट है, अगर आपको शॉपिंग करनी है शॉपिंग या लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। दोस्तों हमारे साथ हो गया बहुत बड़ा वाला पोपट, क्योंकि इसकी जो टाइमिंग है वो है 11 से लेकर 5 बजे तक, और हम हो गए थे लेट क्योंकि हमें होगी 5:15 आते आते, तो हम इसके दर्शन नहीं कर पाए। हमने बाहर से ही देख लिया, दर्शन कर लिए, अब हम नेक्स्ट जगह चलेंगे। अगर आप भी आबू रोड आते हो तो आप 5 बजे से पहले आए, या फिर आप जा रहे हो गुरु शिखर की तरफ तो दर्शन करते हुए जाओ, ताकि आपके दर्शन हो जावे, ताकि आते वक्त कोई दिक्कत नहीं आती, फिर हम अच्छे दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों देलवाड़ा के बाद हम आए हुए हैं सोमनाथ महादेव मंदिर, ये आपको उसके बाद ही पड़ेगा, तो आप यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ डे वन की ऑर्डिनरी है, आप डे वन में क्या घूम सकते हो उसके बाद। दोस्तों जैसे आप अंदर आओगे तो यहाँ पर आपको सरोवर मिलेगा मछलियों का, और यहाँ पर आपको मिलेगा महादेव जी का मंदिर। तो अभी हम जा रहे हैं मछलियाँ देखने, जहाँ पर उसे मछलियों का वही बोलते हैं बावड़ी, तो यहाँ पर मछलियाँ देखेंगे। ये है फिश पॉइंट, यहाँ पर आपको बहुत सारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फिशेज देखने को मिलेगी। दोस्तों यहाँ से आप देखना अब आएगा देखना मजा। दोस्तों अभी हम आए हैं अद्भुता देवी, और इसे अदर देवी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कम से कम 350 सीढ़ियाँ हैं, वो हम चढ़ने वाले हैं। ये सीढ़ियाँ हैं, पर ये कि यहाँ पर एक बात करनी पड़ेगी आपको, जितनी भी जगह ना वहाँ पर इससे यहाँ पर ग्रीनरी हो चुकी हो रखी है बारिश की वजह से, तो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ, सुबह से घूम रहे हैं हम, कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रही है, कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रही है हमारी बुआ जी। हिम्मत जुटाते जुटाते माता जी के दर्शन करने के लिए, थकान होने के बाद भी हमें अब चलना ही है, क्योंकि जब भी दर्शन हो पाएंगे। सीढ़ियाँ काफी ऊपर तक जा रही थी, और वहाँ पर बना हुआ मेन गेट, ये मेन गेट, और इसके सामने आपको मिलेगा माता जी का मंदिर। दोस्तों फाइनली हमने दर्शन कर लिए हैं, एक्चुअली वहाँ पर फोन में जाना अलाउ नहीं था, तो हम दर्शन करके आ गए, और ये वहाँ पर पानी का कुछ व्यू है, और ये पूरा कुछ माउंट आबू कुछ इस तरीके का दिखता है, और यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। एक बार आप आओ तो यहाँ पर जरूर विजिट करना, और यहाँ से झरने के रूप में ऊपर पहाड़ों पर पानी का दिखता है, जो बहुत ही प्यारा लगता है। दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं अपने रूम पर, और अगर मैं इन ड्राइवर भाई साहब की बात करूँ तो इनका व्यवहार इतना अच्छा नहीं था जितना औरों को होता है, तो मैं चाहूँगा कि आप होटल के थ्रू न जाए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि होटल के थ्रू जाने से आपको नुकसान भी होगा, क्योंकि उन्होंने यही छोड़ दिया, और 2-3 जो उन्होंने पॉइंट बताए थे वो उन्होंने विजिट भी नहीं करवाया। ये हमारा रूम है, ये कांच है, और ये बेड है, और यहाँ से आपको बालकनी व्यू मिल जाता है, और यहाँ से वही वाला बालकनी, कोई छोटी सी बालकनी है, तो बालकनी व्यू, और इसका प्राइस हमें पड़ा था मात्र 3,000 रुपये पर नाइट। दोस्तों ये वॉशरूम है, काफ़ी क्लीन और नीट एंड क्लीन है, और सही है एकदम। दोस्तों ये इस होटल का नाइट व्यू है, जो काफ़ी प्यारा लग रहा है। अब हम जा रहे हैं नाइट में नक्की लेक की तरफ, थोड़ा वहाँ पर इंजॉयमेंट करेंगे, फिर खाना खाएंगे, और उसके बाद आज का ब्लॉग यहीं एंड कर देंगे। ये पत्ते कितने प्यारे लग रहे हैं नाइट में। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मॉल रोड की तरफ, यहाँ से आप सीधे जाओगे तो आपको नक्की झील मिलेगी, तो ये रात का कुछ व्यू है, ये मॉल रोड कहलाता है पूरा, और यहाँ पर आपको बहुत सारे खाने के सोविनर मिल जाएंगे, और बहुत सारे शॉपिंग्स मिल जाएंगे जो आपको करनी है, और होटल भी काफ़ी सारे हैं यहाँ पर, और रेस्टोरेंट भी अच्छे अच्छे हैं। ये यहाँ पर अरबुड़ा बना हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा भोजनालय है, अगर आप अच्छा थोड़ा कॉस्टली जाएगा जाना चाहते हो तो आप इसे प्रेफर कर सकते हो। ये आपको जस्ट ये पॉइंट है नक्की झील वाला, इसके पास ही आपको मिल जाएगा, और इसके पास में नक्की झील का रास्ता है, और जैसे ही आप थोड़ा और आगे आओगे तो आपको धूलेश्वर महादेव जी का मंदिर मिल जाएगा, और यहीं पर भी वही है जो नीचे था, तो ये
ये भी यहाँ का मॉल रोड कहलाता है। यहाँ पर आपको जितनी भी प्रॉपर्टी की खाने पीने की बहुत अच्छी चीज़ आपको मिल जाएगी। और तो आपको सामने दिखेगी बहुत ही प्यारी नक्की झील, यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हो। ये इसका नाइट व्यू, अगली बार आएंगे सुबह तो हम आपको कल इसका दिन वाला भी दिखा देंगे। ये इसका मेन गेट है दोस्तों, गांधी वाटे का नक्की झील। अभी तो बोटिंग नहीं हो रही है, पर आप सुबह आओगे तो आपको बोटिंग देखने को यहाँ पर मिल जाएगी, देख सकते हो। और ये पूरी नक्की लेके नाइट व्यू इसका कुछ इस तरीके दिखता है, और कल आपको दिखाएंगे इसका दिन वाला व्यू जो बहुत ही प्यारा लगता है। आए थे तो यहाँ पर हमने उस वाइट प्लेट ऊपर की प्राइस पूछी, उसकी प्राइस है 1400 रुपये। दोस्तों यहाँ पर आए गेमिंग जोन है पूरा, थ्री डी वाले गेम है पूरे, यहाँ पर एंटिक कलेक्शन है सारे तांबे के बने हुए, ये भी काफ़ी यूनिक अच्छे लग रहे हैं। अभी रेस्टोरेंट पर तो यहाँ पर हमने पूरे वेज राइस ऑर्डर उसे खाते हैं, तो करेंगे अपने रूम पर। दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं हमारे रूम पे। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर पसंद है तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना कि आप आबू रोड की कौन कौन सी विजिट कर चुके हो जगह। और अब हम कल जाने वाले हैं जो हमारी नक्की लेक थी ना, उसका मॉर्निंग व्यू और वहाँ जाएंगे, उसके अलावा 3-4 जगह और जाएंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।